अब तक की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में नाविक संघ के पुरुष एवं महिलाओं द्वारा रैली निकाल एनएचडीसी अधिकारियों को अपनी मांगों का ज्ञापन दिया गया। एनएचडीसी गेट पर 12 बजे से 5 बजे तक अपनी मांगों को पुनः दोहराते हुए अपने बच्चों की 4 महीने की फीस माफ़ किए जाने और मुआवजा दिए जाने, जिससे कि हमारी ज़िंदगी वापस पटरी पर आ सके, लोगों ने मांगों को ना मानने पर भविष्य में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। साथ ही कहा है कि इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी एनएचडीसी अधिकारी एवं प्रशासन की रहेगी। नाविक संघ का कहना है कि अभी तक शांति व गांधीवादी तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं। महिला पुरुषों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस धरने प्रदर्शन में अभी हमारे बीच में एनएचडीसी के महाप्रबंधक आए थे, उनको नाविक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन दिया। मांगों के अनुरूप उन्होंने हमारी मांगे देखी, उसके बाद उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि ये मांगे हम हमारे उच्च अधिकारी तक पहुँचाएँगे और आपकी मांगों को जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। तो इस पर नाविक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि इन मांगों की हमको लिखित अनुशंसा चाहिए। अगर एनएचडीसी या शासन प्रशासन हम लोगों को लिखित अनुशंसा इस मांगों के अनुरूप देता है तो हम हमारा आंदोलन स्थगित कर देंगे, अन्यथा यह आंदोलन धरना प्रदर्शन 5 घंटे का है। इसके बाद में नाविक संघ आगामी चरण के लिए उग्र आंदोलन की रूपरेखा बनाएगा। अपनी कुछ समस्या, क्योंकि पिछले महीने की 16 तारीख से जल निकासी जो हो रही है उसके कारण स्थानीय प्रशासन द्वारा इनकी नावें बंद करा दी गई हैं, जो कि आवश्यक भी था, तो सुरक्षा की दृष्टि से जान माल की क्षति ना हो, तो उस कारण इनकी जो रोजी रोटी पे फर्क पड़ा है उसके कारण इन्होंने कुछ आर्थिक सहायता, बच्चों की स्कूल की फीस और घाट में जो टूट फूट होगी उसका सुधार करना और पर्वों पे जो संचालन बंद होता है उस बारे में पुनर्विचार करने के संबंध में 3-4 मांगें दी हैं। हम इस संबंध में हमारे संबंधित अधिकारी को इनकी मांग का हमने आज लिया है और हम सक्षम अधिकारी को भेजेंगे, जो भी उसका निर्णय होगा भविष्य में अवगत करा दिया जाएगा।